आप याद कीजिए 2014 में ग्लोबली इंडिया का पोजीशन कहां रहे, इकोनॉमिक पोजीशन हमारे 10वें स्थान पर रहे, वी हैड बीन प्लेस पोजीशन एट 10, नंबर 10 इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग. नाउ बिकॉज ऑफ अनटायरिंग एफर्ट, डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नाउ इंडिया हैज जंप फ्रॉम 10 टू 5th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. और आज मोदी जी की जो विजन है, जो लक्ष्य है हमें दी गई है, भारत को कम दिनों के अंदर हमें दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से खड़ा करनी है, और इसके बाद बाय 2047 इंडिया विल बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हमारे आगे सिर्फ 4 देश है, जर्मनी, जापान, चाइना एंड अमेरिका, और हमें पार करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा. जिस मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर, लद्दाख, लेह, कारगिल तक, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात भूज तक, सारे देश के अंदर हमारे 140 करोड़ जनता ने जिस हिसाब से एक साथ मेहनत करने का, और मोदी जी ने जो मंत्र हमें दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी भावना शक्ति से आज देश जाग उठा है, एकत्रित हुए हैं, और इसी देश को मजबूत बनाने के लिए हम सब एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं. तो इसलिए हम सहेंगे कि ऐसे ही आप बने रहे, और नॉर्थ ईस्ट के लिए बारे में आप लोगों को जानकारी देना जरूरी है. पिछले 9 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, चाहे रेलवेज हो, रोडवेज हो, वाटरवेज हो, एयरवेज हो, इंफॉर्मेशन हाईवेज हो, इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन वेल डेवलप्ड. एंड फॉर दिस नोबल कॉज Honorable Prime Minister has given the support, more than 3.64 lakh crore just in 9 years time. 9 साल के अंदर हमें इतने बड़े रकम हमारे विकास के लिए, यात्रा के विकास के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें सपोर्ट दी है. और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9 साल के अंदर हर 15 दिन के अंदर हर भारत सरकार के मंत्री को नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रदेश दौरा करना ही होगा, और बड़े अधिकारी को भी दौरा करना होगा, नॉट एज ए टूरिस्ट, एज ए कमिटेड इंडियन, कमिटेड शोल्डर ऑफ द कंट्री, ताकि अपने मंत्रालय की अलग अलग कार्यक्रम को सही समय पर वो लागू करें. इसलिए आज भारत सरकार की जितना भी मंत्रालय है, सब मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर, सब लोगों ने मोदी जी के निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए पिछले 9 साल निरंतर नॉर्थ ईस्ट दौरा किया, और अपने अपने विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रम को राज्य सरकार का साथ मिलकर सही समय पर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन की है. इसके वजह से आज आप लोगों ने देखी है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाइए, उड़ान की स्कीम के आधारित हमारे कितना बड़ा एयर कनेक्टिविटी मिल चुका है. आइजोल किसने सोचा था, हिल टॉप, आई थिंक इट इज मोर देन 5,000 feet अबव द सी सरफेस, और उसी डिफिकल्ट ट्रेन तक रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आज जो काम चल रहा है, और गैंगटक, गैंगटक भी 6,500 अबव सी लाइन, तो इतने उसे स्थान पर बचे हुए सिक्किम का कैपिटल को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, सरिसल से सिलीगुड़ी से जोड़ने के लिए आज भी ढेर सारे सुरंग निर्माण करके आज रेलवे लाइन भी वहां खड़ा की गई है. तो यही है मोदी जी का कमिटमेंट फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. वो चाहते हैं कि हर प्रांत विकास के दिशा पर तेज से आगे बढ़े. स्पीड एंड स्केल, ये दोनों शब्द आप लोगों को भी याद रखना होगा, हमें भी याद रखना होगा,
स्पीड एंड स्केल, हर कामों को हमें गति दे। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, आप देखिए ओशन एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑल लिविंग अपार्ट इवन देन, हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे नई पीढ़ी महिला शक्तियों ने आज स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में कितना बड़ा काबिलियत उन्होंने दिखाया है। हम किसी से कम नहीं है। पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में हम सिर्फ बड़े देश अमेरिका जैसे साइंटिस्टों को पर हम लोग अपने निगाहें उस तरफ विशेष रूप से ध्यान देते थे। आज हिंदुस्तान में भी बराबर का अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी उसी हिसाब से संकल्प ले। बहुत कुछ करना है देश के लिए हमें। इस जीवन जितना भी दिन हमें मिले, प्रभु ने जितना भी दिन हमारे लिए तय की है, किसी पल को बेकार नहीं जाना चाहिए। हर पल को हमें सही उपयोग करना चाहिए ताकि मानव समाज के देश के काम में आए। इसलिए भगवान ने भी कहा है, मैं समय हूं, टाइम इज गॉड, टाइम को मिसयूज नहीं करना चाहिए। टाइम शुड बी वेल कैपिटलाइज विथ कमिटमेंट डेडिकेशन डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। आई बिलीव दैट्स पावर स्टैंड्स विथ योर पर्सनैलिटी। आप कर सकते हैं अगर आप निर्णय करें तो। निर्णय आपको भी करना होगा और उसको लागू आपको भी करना होगा। मैं आयुष का भी मंत्री हूं। आयुष का मंत्री होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है मोदी जी के नेतृत्व में आज आयुष सेक्टर में दुनिया का मानव समाज के दिल जीत लिया है। योगा देखिए, आज यूएनओ की एक साल के अंदर 100 से अधिक कार्यक्रम होते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इनके बीच अगर कोई कार्यक्रम सबसे लोकप्रिय है वही कार्यक्रम है इंटरनेशनल डे फॉर योगा।